गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मैकलॉडगंज और अभी बज चुके हैं 2। तो आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं, बट सर्दियों के दिनों में लेट हम निकल सकते हैं। दिन छोटे होते हैं ना, सोने के लिए ज्यादा मिलता है। तो हम जा रहे हैं, चल लेट्स सी हो बाय। चलो ताल लगाओ आंटी, आज निकला सामान उठाओ। फुल का लॉक लगा ही है और बस हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी भी तैयार है, सो लेट्स गो। चले ड्राइवर साहब, ये बताओ चले। चलो दोस्तों, हम निकल गए घर से बाहर और हम जा निकले हैं तैयार, लेट्स गो। हेलो, मेरी बोतल है मम्मी, जाएगा नहीं उसमें से। आज है सनी मौसम और है मौसम ऑसम, तो घूमने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम, लेट्स गो। टेक द नेक्स्ट राइट देन मेक अ यू टर्न। आज बहुत ही अच्छा मौसम है और इसलिए हमने लेट प्लान किया क्योंकि मौसम अच्छा था, धूप अच्छी निकली है, ठंड कम है, तो हमने कहा चलो 2 बजे सही, लेट्स गो आउट। आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, ये गांव है, इस गांव को कौन सा नाम कहते हैं, स्लेट गोदाम। हाँ, ये इसका नाम है स्लेट गोदाम और ये हमारे कैंट के जस्ट बाहर है, तो आज हम ये वाला रास्ता ले रहे हैं जाने के लिए। ये दोस्तों आपको जो दिख रहा है ना सामने, ये है धर्मशाला। आज हम नहीं जाएंगे, एक्चुअली वहाँ नहीं जाएंगे हम, उससे थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। धर्मशाला के आगे है मैकलॉडगंज, बट लग रहा है ना सुंदर व्यू, द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। देखो नीचे, कल गणेश की पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। मॉन्क और ओल्ड मॉन्क में अंतर नहीं है। यार बताओ, यहाँ तो हम आ सकते हैं वॉक करने और यहाँ पे हम पार्टी करने भी आ सकते हैं, पिकनिक पिकनिक भी आ सकते हैं, जैसे मॉन्क लोग कर रहे हैं नीचे। ओ सो ब्यूटीफुल, सुंदर तरीके से इन्होंने, यार तुम्हारे हाथ से मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, पत्थरों को देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट किया और कितने बारीक पत्थर। ये एक और समस्या है पहाड़ों में रहने की, भैया गाड़ी एक ही बार में पार हो सकती है।
आई नो वो पीछे पीछे और भी गाड़ी आ गई। अरे यार दोस्तों देखो पिंक कलर के फ्लावर्स और ये जंगली फ्लावर्स है और हर पेड़ पे एक डिफरेंट तरीके का फ्लावर है। ये देखो यहाँ पे वाइट है दोस्तों, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सब जगह स्नोफॉल होता है। अभी हुआ नहीं है, ये दो तीन बार हो चुका है, बट यहाँ हम आए नहीं थे तब तक जब हुआ था। सो जब होगा तब एक बार और लेकर आऊँगी आप लोगों को यहाँ पे अपने साथ। स्कूल भी स्टार्ट हो गए यहाँ पे तो। तो हम आ गए हैं मैक्लोडगंज, हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, देखते हैं क्या क्या होता है। हेलो, हम आ गए हैं डल लेक। तो चलिए हम आपको आज यहाँ पे डल लेक के नज़ारे दिखाते हैं। पाइन ट्रीज कितनी सारी है ना। हमारी मैक्लोडगंज की पहली डेस्टिनेशन। आज भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि आज ट्यूसडे है और हमने जानबूझ करके वीकडेज में आए हैं। वीकेंड्स में बहुत भीड़ हो जाती है और फिर जगह नहीं मिलती है। लेक है बेटा तो फिर दोस्त कैसे लग रहा है आपको? छोटा सा पॉन्ड नहीं है, पॉन्ड नहीं है, डल लेक है, इसको लेक कहते हैं। इतने हाइट पर लेक होना बड़ी बात होती है। दोस्तों डल लेक के जस्ट अपोजिट में है ये मंदिर, ये दिखतो शिव मंदिर रहा है। तो चलिए दर्शन करते हैं। गाइस ये एक मंदिर है शिव जी का, तो हम मंदिर से देखते हैं कैसा है। लेट्स गो। अरे बाप रे, तो कुछ ज़्यादा ही पुराना पेड़ है। बैठते होंगे और छोटा प्यारा मंदिर है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं नंदी व्यू पॉइंट। नंदी व्यू पॉइंट एकदम जा ही रहे हैं, वैसे पहुंचे नहीं है, बट लेट्स सी कैसा व्यू होता है। वाओ मौसम
अच्छा व्यू, अच्छा क्या बोल गया? यस फ्लैक्स चले आगे। अभी स्नोफॉल हुआ नहीं है, पर नहीं ये पूरी माउंटेन्स स्नो से हो जाते कवर है ना, बस स्टिल विदाउट स्नो आल्सो बाकी में बहुत ही ऑसम व्यू पॉइंट है। नंदी पॉइंट के आगे है ये, मतलब अपोजिट में है ये दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं और बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा स्नैकिंग कर लिया जाए। किस चीज़ का वेट हो रहा है? थोड़ी सी चीज़ का वेट हो रहा है। हॉट चॉकलेट और मोमोस और क्या और क्या खाओगे? ये देखो बोल के आ गई, खुशहाल लड़की है। तो गाइस हमने आज घूमी, हमें बहुत मजा आया और अब हम जा रहे हैं, ये मेरी एंडिंग वीडियो है और हम जा रहे हैं आप इसको एडिट करने, जैसे कि आप कल आप उसको देख पाओ। तो फिर सी यू गाइस द नेक्स्ट व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।